नमस्कार दोस्तों, परिचय इस मालिका में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में देखते हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के बारे में। उनका जन्म 10 अगस्त 1860 में मुंबई में हुआ था। भारत के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान व्यक्ति थे। शास्त्रीय संगीत के सबसे बड़े आधुनिक आचार्य के रूप में उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। पूरी तरह से निस्वार्थ और समर्पित संगीत साधक भातखंडे जी ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को वैज्ञानिक पद्धति से व्यवस्थित वर्गीकृत और मानकीकृत करने का पहला आधुनिक प्रयास किया था। उन्होंने देश भर घूम घूम कर उस्तादों से बंदिशें एकत्रित करने, विभिन्न रागों पर उनसे चर्चा करके उनके मानक रूप निर्धारित करने और संगीत शास्त्र के रहस्यों से पर्दा उठाते हुए अनेक विद्वत्तापूर्ण पुस्तकें लिखने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। इन्होंने 1883 में बीए की डिग्री एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई से प्राप्त की थी। इसके बाद 1890 में एलएलबी की परीक्षा पास की। बाद में उन्होंने संक्षिप्त कार्यकाल के लिए कराची के उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। भातखंडे की लगन आरंभ से ही संगीत की ओर थी। उनकी संगीत यात्रा 1904 में शुरू हुई, जिससे इन्होंने भारत के सैकड़ों स्थानों का भ्रमण करके संगीत संबंधी साहित्य की खोज की। इन्होंने बड़े बड़े गायकों का संगीत सुना और उनकी स्वर लिपि तैयार करके हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका के नाम से एक ग्रंथमाला प्रकाशित कराई, जिसके 6 भाग है। शास्त्रीय ज्ञान के लिए विष्णु नारायण भातखंडे ने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, जो हिंदी में भातखंडे संगीत शास्त्र के नाम से छपी थी, उसके 4 मराठी भाषा में भी भाग लिखे हुए हैं। संस्कृत भाषा में भी इन्होंने लक्ष्य संगीत और अभिनव राग मंजीरी नामक पुस्तकें लिखकर प्राचीन संगीत की विशेषताओं तथा उसमें फैली हुई भ्रांतियों पर प्रकाश डाला। विष्णु नारायण भातखंडे जी ने अपना शुद्ध ठाट बिलावल मानकर ठाट पद्धति स्वीकार करते हुए 10 ठाटों में बहुत से रागों का वर्गीकरण किया। तो आज के लिए इतना काफी है, मैं यहीं पर रुकता हूँ। धन्यवाद।